नमस्कार, एटीन्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 3 की मौत। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई जबरदस्त भिड़ंत, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर झुलसा, कई घायल। थ्रेसर की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर हुआ रंगारंग कार्यक्रम। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ के थाना छहरा क्षेत्र के गांव सिहाबली में एक सड़क हादसा हुआ, जिसके दौरान 4 युवक बाइक सवार ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक पर बैठे चारों युवक बुरी तरह से गिर गए। ट्रैक्टर की तेज रफ्तार की वजह से बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसमें से एक किशोर नाबालिग बताया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको छर्रा के सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसको जैन मेडिकल रेफर कर दिया। इस बड़े हादसे से गांव में मातम फैल गया है और किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। वहीं हादसे में हुई मौतों से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कहां पर हुआ, कौन लोग हैं? ये हादसा, मेरा नाम राजेश कुमार बाबा है। ये हादसा सिहाबली पर हुआ है और एक जो लेंटर डालने वाली मशीन है उसमें उससे हादसा हुआ है। इसमें 4 लोग मोटरसाइकिल पर थे, उसमें 3 लोग बताते हैं एक्सपायर हो चुके हैं, 2 लोग गंभीर हालत में, एक बताते हैं ट्रैक्टर पर से कोई गिरा है। एक बाइक पर कितने लोग थे? 4 लोग थे एक बाइक पर। तो एक ट्रैक्टर पर मशीन जा रही थी, लग गए। ट्रैक्टर पर जो मशीन होती है लेंटर वाली, वो पीछे लगी होती है, उस मशीन से बताते हैं हादसा हुआ है। जो आज की सुनवाई में हमारी पूरी पूरी जानकारी में आई वो जो व्यवस्था है। कौन सी यही घटना है? ये सिहाबली की घटना है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना छर्रा पड़ता है। उसमें दिनांक 24 फरवरी 2023 को छर्रा थाना अंतर्गत ग्राम सिहाबली से जब एक्सीडेंट की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस जब पहुंची तो वहां पर 5 लोग घायल अवस्था में मिले। इनको तत्काल उपचार हेतु भिजवाया गया, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति उपचार उपरांत अब सामान्य अवस्था में हैं। मौके पर एक बाइक भी बरामद हुई है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जब तहरीर प्राप्त होगी तो इसमें मुकदमा थाना छर्रा में पंजीकृत कराया जाएगा। पीएम व आगे की अन्य कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई जबरदस्त भिड़ंत में आगरा से दिल्ली जाने वाले रोड पर मैक्स तथा वॉल्वो बस में भिड़ंत होने से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आगे चल रही वॉल्वो बस यमुना एक्सप्रेस वे सवारी लेने के चक्कर में अचानक ब्रेक लगा दिए और रुक गई, जिसके कारण पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी बस में घुस गई, जिसकी वजह से गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें बैठे आगे 3 सवारी बुरी तरह से घायल हो गए। भिड़ंत इतनी तेज थी कि गाड़ी के इंजन में आग लग गई और ड्राइवर भी बुरी तरह से गाड़ी में फंस गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायल युवक और ड्राइवर को जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? कल्लू। कहां के रहने वाले हैं? रमजानपुर गांव। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? बलागढ़। तो क्या हुआ था पूरा मामला, कहां से कहां जा रहे थे, क्या हुआ? पीछे से आ रहे थे, कानपुर से आ रहे थे। जा रहे थे कानपुर से आ रहे थे दिल्ली में। बस में बच्चों की आगे सवारी आई, सवारी के चक्कर में जो है बस ये गाड़ी बचा नहीं पाया, गाड़ी बस में घूम गई, वो फंस गई उसमें गाड़ी पीछे बस में, तो उससे कट गई, फिर उसमें जो है थोड़ा आग लग गई थी, तो वो सवारी में उतर के आग बुझा ली थी। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, EMT 108 एम्बुलेंस पर। क्या मामला था सर? मामला ये था, एक हाईवे पर यमुना एक्सप्रेस वे पर करीब 58 किलोमीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ है भयानक। इसमें मतलब पिकअप गाड़ी है जो बस में टकराई है, बुरी तरह से लोग घायल थे उसमें। एक तो जो पिकअप का ड्राइवर था ना, वो तो पूरा फंसा पड़ा था गाड़ी के अंदर, उसके लिए फिर कटर मंगवाया, कटर से गाड़ी को काट कर जब उससे निकाला गया, और 2 लोग और घायल थे जो पिकअप में बैठे हुए थे, तो उनको लेकर हमने यहाँ CSU टप्पल जो अस्पताल है हमारी, जो लोकेशन है वहाँ भर्ती कराया है पेशेंट को, 3 पेशेंट को, तो अभी यहीं एडमिट है। अच्छा सर आग में भी झुलस गया? हाँ, गाड़ी में आग भी लग गई थी ना, अंदर से अंदर ही अंदर झुलस गया उसका पैर, जो मरीज है, जो ड्राइवर है वो झुलस गए, उसके पैर झुलस गए बड़ी बुरी गैस से। अलीगढ़ थाना पाली मुकिमपुर गांव चंदनिया रामपुर में किसान की मौत का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें, थ्रेसर से चलने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जहां थ्रेसर के चलते समय किसान नितेश यादव उसकी चपेट में आ गया, जिसके कारण किसान की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिवार को थ्रेसर मशीन के जरिए किसान के साथ हुए इस हादसे के बारे में पता चला तो आनन फानन में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र छर्रा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कुशल पाल ने
बताया कि किसान को यहां लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। कि गोबर पराता में ला रही है, परात का मशीन चल रही है, वहाँ खाली मशीन चला रखी है और पैट वहाँ के पैट लगा लगा इतने तो भागे भाई, वहाँ पत्ती नहीं काटो। अच्छा, तो लड़की खत्म हो गई? हाँ, यहाँ पे ये पूरी अलग काट दी। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की 12 साल की। क्या नाम था लड़की का? लक्ष्मी। धर्म समाज महाविद्यालय के सभागार में आज धर्म समाज सोसाइटी अलीगढ़ के संस्थापक दिवस समारोह 2023 के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके शुभारंभ के बाद वहीं कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर मीना अग्रवाल ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर धर्म समाज बाल विद्या मंदिर, धर्म समाज महाविद्यालय, धर्म समाज इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रपति माँ की ममता, महिला सशक्तिकरण के संबंधित प्रसिद्ध लोक गीत व नृत्य शैली में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। वहीं दर्शकों ने करतल ध्वनि से सभी कार्यक्रम प्रस्तुति के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। सर, ये हमारे जो संस्थापक हैं लाला राय बद्री प्रसाद जी, उन्होंने आज से करीब 150 साल पहले धर्म समाज की स्थापना की थी और उसके बाद 1870 में धर्म समाज सबसे पहले संस्कृत पाठशाला स्टार्ट हुई और फिर 1925 में इंटर कॉलेज बना, 1947 में यूजी कॉलेज बना और फिर 1967 में पीजी बना। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो वट वृक्ष है पूरा फल फूल रहा है, तो उन्हीं का जन्म दिवस हम इस तरीके से स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे धर्म समाज सोसाइटी और उसकी सारी शाखाएँ, जो भी जितने हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो धर्म समाज महाविद्यालय है, चाहे वो धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, चाहे धर्म समाज इंटर कॉलेज है, चाहे धर्म समाज बाल मंदिर है और चाहे धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय, वो सब मिलके इस पूरे आयोजन को करती हैं और उसमें उनके जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग पार्टिसिपेंट्स करते हैं। और इसी दिन हम जो भी हमारे निर्धन बच्चे हैं उनको हम सहायता राशि देते हैं, जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, और अगर हमारे पास कोई और गरीब बच्चा आता है तो उसे हमारी सोसाइटी विशेष रूप से अलग से उसको पैसे देके उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, जैसा कि आज का प्रोग्राम का नाम है अर्पण, तो मैं तो यही कहूँगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वाकई में अर्थार्थ कि जो तूने मुझे दिया था उसी को मैं दे रहा हूँ, मैं लाया क्या था, मेरे पे था क्या। तो ये अग्रवाल समाज, मुझे आज पता लगा यहाँ पे कि ज़्यादातर इसमें धर्म समाज मंदिर में जो विद्या का जो मंदिर है इसमें ज़्यादातर अग्रवाल ही हैं और वो ही इसका संचालन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे पता लगी, 36 बिरादरियों के विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा लेते हैं, यही इसी को बोलते हैं अर्पण, तेरा तुझको क्या लगे मुझे क्या अर्पण। ठीक है, ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।